बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर, कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो इन्जॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया, फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मेकअप में ही जाने हैं। ब्रिलियंट। करता नहीं सर वैसे, मतलब कर रहे कर। मुझे याद है किस्सा, हमारे अमृतसर में शूट करने आए थे वो इसके लिए सनी पाजी की फिल्म थी गदर, और मेरे फादर पुलिस में थे तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, तो उनको पता था कि मेरे बच्चे को शौक है तो आ जा तू फिल्म में पार्ट लेना, कुर्ता पजामा पहन के आना, उनकी ये कंडीशन है। मैं चला गया, अब मुझे तो समझ नहीं थी फिल्म की स्टोरी है क्या, मतलब क्या होना है। तो अमीषा पटेल छूट जाती हैं ट्रेन में और अमरीश जी बैठ के चले जाते हैं, तो मेरे आगे अमरीश पूरी पहली बार लाइफ में और अमीषा पटेल, मैं सोचूं कैसे बुलाऊं, तो मेरे को समझ ना आए। ब्लू कलर का अमरीश साहब ने कोट पहना हुआ, मेरे को कुछ और नहीं सूझा तो मैंने ऐसे ही कर दिया उनको, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा मगर अच्छा मैं सर वो जैसे एक्शन बोले हम भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए, तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगा कि यार अमीषा पटेल हर बार चढ़े ना, तो मुझे अच्छा मैं ना डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर ना कोई लेना ना देना, मेरे को अमीषा पटेल पे गुस्सा आई है, मैं कहा यार ठीक नहीं कर रही। हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि उनका सीन ही यही है कि ये छूट जाएंगी यहाँ पे। एनीवेज पर मैं उस समय मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमरीश पुरी साहब से मिलने का। तूने आधे घंटे की वो सुना दी पर फिर अमरीश जी की आवाज फिर नहीं निकली। अमरीश जी की आवाज, अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। वी आर मिसिंग यू अमरीश पुरी साहब। यस अच्छा किया तूने, खुद ही बता दिया बचना है सीनो, इसके पसीने की बड़ी स्मेल आती है। थोड़ी देर के लिए आप मौन व्रत रखेंगे? सर ऋषि सर पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर बीइंग चंदन प्रभाकर, मैं सर से बड़ा इंप्रेस हूँ सर। एक लाइन है जो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में आती है, ऋषि सर ने अपने ट्विटर पे लिखी हुई है, फेमस सन ऑफ ए फेमस फादर एंड फेमस फादर ऑफ ए फेमस सन। अरे भाई आई लव यू सर। अच्छा मुझे पता नहीं था तू इतना इंटेलिजेंट है वैसे। सो इतने बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, इतना हैंडसम एक्टर है आपके सामने खड़ा है, मेरी थोड़ी तारीफ करो। क्या करूं तेरा, ये नाइटी पहन के क्यों घूम रहा है पहले ये बता। ऋषि सर इतना बड़ा ये शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि नाइटी के साथ बीन लेकर कौन घूमता है। कहते हैं नगीना टू हमने बनानी है तो मेन रोल इस बार सपेरे का होगा। तो देखो मेरे को ऐसा बना दिया इन्होंने, नागिन तो इन्होंने पाजी वो दी है, ओ बंदे को डसे ना, बंदे को देख ले बंदा वहीं मर जाए। मैं बुलाता हूँ अभी नागिन, बुलाता हूँ नागिन का है? ए, नागिन है? ऐसे कौन बुलाता, बीन बजाओ ना, अभी भी जा देते बीन। आ जा यार मेरा गला खत्म हो गया है। ये नागिन है कि एनाकोंडा है? सच बताइए आपने मुझे पहचाना कि नहीं, पुराने खंडरों में भटक भटक कर मटक मटक के कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। खंडर तो पुराने होते, नया खंडर कौन है? खंडर नया भी होता है कभी? तो तुमने सुना है कि नए खंडर की इनॉग्रेशन हुई हो? क्या हुई हो? इनॉग्रेशन। तू क्यों अंग्रेजी की इज्जत लूट रहा गुरु? रहना अगे उद्घाटन है। इंटू जी इनकी बातों को छोड़िए, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये तो बातें करते रहेंगे, तो एक दिन में 26 घंटे बातें कर लेते हैं। लेकिन मेरी अभी अभी एंट्री हुई है, आप जरा मुझ पे फोकस कीजिए। मैं हाय आई एम इच्छाधारी नागिन। थैंक यू। या थैंक यू बोलो, जब आपको जेल हुई थी तो ऋषि सर ने ट्वीट किया था आपके फेवर में। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। आइए मैम हमारी बारी है। जी 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 प्लीज, मुझे पता था आएगा कुछ ना कुछ। बनती है आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं, अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें,
सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई दी। थैंक यू। अच्छा मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऋषि सर आई लाइक हिम सो मच, तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो, जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में, कहते कपिल शर्मा, तो उसको बोलो मेरे को फोन करे, तुम कौन हो। तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट ही करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया, मैं सॉरी सर, मैंने आप ओके सर यू कैन अंडरस्टैंड माई लव फॉर यू। अच्छा मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहाँ होंगे मेरे हस्बैंड, साथ में तो होंगे। So I said, yeah, so I was like, पर अब डरते क्यों है इतना? मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। I was in, where was I? भोपाल। भोपाल क्या था? भोपाल में था। सर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बट यू नो मैंने एक बात सीखी है ऋषि साहब से, कभी डरना नहीं। अच्छा अगर वो जोर से बोले ना, आप उससे जोर से बोलो। अच्छा That's what I do. When he does boo to you, do boo back. सारी पत्नियां प्लीज ध्यान से सुने। So ये जब बोलते हैं नीतू, I said what? So why are you screaming? I said you are screaming. Okay, there he goes. अच्छा हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी, आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने बहुत तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा। लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कांग्रेचुलेशंस, ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। yep. जब ये लिख रहे थे आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयां बड़ाइयां ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज अच्छा। ये तो कभी सोचते ही नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं ट्विटर पे, तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, आई सर आप पूरा लिख लो, फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं सर, ये सबके साथ बात है। भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी आपको पता नहीं। तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है, सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मेरे मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं, तो हमने मेडल मंगवाया स्पेशली। ऋषि सर आज, अच्छा ऋषि सर एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है मेरे, अच्छा। मैं जब नहीं होता हूँ तो इसे इमेजिन हिज मदर टेल्स मी कि मैं हर साल एक मेडल तेरे को देना चाहती हूँ टू बी विद माई सन। आप पता नहीं, ऐसा बहुत कम होता होगा क्योंकि जब प्यार हुआ आपको, फिर शादी हुई, फिर आप एक जिंदगी साथ में बिताते हैं, तो कभी कभी बोलना भूल जाते हैं। आज आपको नीतू मैम को जो बोलना दिल से, अगर आपको सॉरी भी बोलना है या अप्रिशिएट करना, जो बोलना हम सुनना चाहते हैं सर, आप क्या बोलते हैं? मुझे क्यों बोलना है यार? और अगर बोलना है तो तेरे सामने, उनके सामने क्यों बोलना है? क्या मैं आपको नीट्स कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स नीट्स, श्योर। ऋषि सर यहाँ बैठे हैं, बट स्टिल से इट्स ऑलराइट। आप अपनी इतने खूबसूरत कैसे हैं? आपसे किसने पूछा आप इतने बदसूरत कैसे? आप बताओ आप कैसे हैं? पूछा है किसी ने? अभी पूछा है। अभी तो आपने मेरे पेरेंट्स नहीं देखे। आप उनको देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम हूं। पेरेंट्स आपके नाम तो बताए नहीं, आपने कभी आए नहीं इधर। छोटे लाल गुलाटी, पापा का नाम, मम्मी का नाम रमेश गुलाटा। मम्मी का नाम रमेश क्यों है? मुझे आती थी ना, तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम फिर रमेश रख दिया। मेरी बायोग्राफी पढ़ो, तुमको पता लगेगा। मेरी बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है, यहाँ थूकना मना है। एंड यू नो किंतु जी, ऐसा नहीं है, मैं आप उनके हस्बैंड हैं, बट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। यू नो आपकी जो फिल्म आई थी करज, करज ये कौन सी फिल्म?
दर्ज। हाँ तो मैं कौन सा फर्ज कह रहा हूँ, मैं भी तो करज ही कह रहा हूँ। उसके अंदर आपने गिटार गिटार बजाया पुनर्जन्म एंड ऑल। यू नो मैं उस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। लेकिन कभी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इन्होंने पिक्चर ही नहीं बनाई कर्ज रिटर्न। किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? इधर है भाई। भाई बाद में आना, आई एम बिजी। आज तू पैसे देगा या जान देके जाएगा अपनी? ओह गॉड, पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर जान ले उसकी। मैं तो खाली हूँ, मैं तो शाम तक इधर ही हूँ। तुम्हारी तो दुकानें हैं ना, काम धंधा कर रहे हो, मेरे को तो कभी भी मार सकते हो यार। थोड़ा यार बड़ा बेशरम आदमी ये। मेरे को तो कभी भी आप अटेंड। यू सी, सारा दिन लोगों का माइंड वॉश करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में इंटेलिजेंट होना। यू नो हाँ तो कहाँ था मैं? मार खाने से पहले इधर ही थे, उसके बाद उधर वापिस। आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपको? आज देखिए कितनी खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती सेम से कितने दो खानदानी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। खानदानी कहाँ से हो गए आप? चूहेदानी तो आपसे खरीदी नहीं जाती। आपको पता है मुंह में रोटी डाल के चूहा पकड़ने बैठते हैं। वो भी इतनी बासी रोटी। चूहा मैंने आज तक नहीं बोलता देखा, पर इनको गालियां देके गया। चूहा कैसे गालियां देता है मेरे को जरा बताओ। चूहे का मुंह ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, चूहा ऐसे आता है। ये तो कुत्ता लग रहा है। वो तुमने अपने मन में मेरे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है, इसलिए इससे बाहर निकलो तुम। सर इनका मुंह देख के लगता है ये डॉक्टर होंगे। आइंस्टाइन लगते हो? आइंस्टाइन। यू विल विन द इलेक्शंस, जस्ट सी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आई थिंक आपकी कोई बहन है या कोई है जिसका मेरे बेटे से शादी हो चुकी है, और मैं ये शो खत्म होने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माय कंगन और समथिंग। मैं अपनी बहुरानी से मिलना चाहती हूँ। यस यस। सो जब शो खत्म होगा प्लीज कपिल। हाँ ये खुद ही 5 मिनट के बाद साड़ी पहन के घूम जा रही आप। और ये मेरे पे नजर रखते हैं। बट नीतू जी, आई मस्ट से यू आर सो प्रीटी लाइक एन एंजल। उम्र का तो लिहाज करें आप। उम्र का लिहाज मतलब वो तुमने सुना नहीं, एक दो लाइनें सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिएगा। के जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जरनवा जी, जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है, टप्पा खा के जाए तो चौका है, सीधा जाके छक्का है। अब शराब पी के तो नहीं आए? मन है थोड़ा सा, अगर हो जाए तो। ये प्रॉप्स हटा लो प्लीज फटाफट। चलिए पीछे सेटल डाउन। पानी लेके आओ। लास्ट रो में क्या हो रहा है, सेटल डाउन करो। थैंक यू। और आपका वो जो कैरेक्टर है वो दिल्ली वाला, टू गुड अरोड़ा। आज हम लोग करने वाले थे। अब क्या बोलते हो, बड़ी नफरत है क्या? हाँ मेरे को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल। अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी फैंस हैं, और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए, तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं। हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ, क्या वो एक सुपरस्टार बीवी के साथ होता है? गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। वो वर्ड गृहिणी, आई डिडंट नो दिस। यू डोंट नो हिंदी? इट्स अ हाउसवाइफ। मुझे रियली नहीं पता है यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं गृहिणी समझा ग्रैंडमदर। ए, इनके सवाल है मेरे नहीं है, अगर आपको स्टूपिड लगे आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नो प्रॉब्लम। इनके सवाल ये है कि जब खाना अच्छा बनता है तो हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मैं, अरे पागल है, जूते नहीं खाऊंगा अगर कभी। हिम्मत है किसी को बोलने की? अजीब सवाल पूछ रहा है। मैंने पहले कहा सर ये मेरा सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शादी नहीं हुई ना सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं। होगा बेटे होगा। ये भी एक महिला का सवाल है कि जिस दिन पति घर पे रहते हैं
10 कमियां निकालते हैं किसी भी चीज में, इससे अच्छा तो बाहर ही रहे, ऐसा कभी आप सोचती हैं? रोज। ओ, किसी हमारी माता बहन का एक सवाल है कि जिस दिन पति मूड में होते हैं, एक आध ड्रिंक कर लेते हैं तो आई लव यू बहुत बोलते हैं, है? एक आध एक आध से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए टू से आई लव यू। तो क्या ऐसा होता है कि दो चार ड्रिंक के बाद आई लव यू ज्यादा निकलता है, ऐसा होता है? ज्यादा निकलता है तो कभी निकलता ही नहीं है। आई लव यू जब होता है जब डेट कर रहे होते हैं, शादी के बाद आई लव यू नहीं होता ना, इट्स ऑल फिनिश्ड। फिर लव यू और लव होता है ना, बच्चों का लव, घर का लव, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, फिर वो स्टुपिड बात। वेरी ऑनेस्ट आंसर सर, आपने यस और नो में जवाब देना है। कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस। किस बात पे गुस्सा आ गया था आपको? बदतमीजी पे उनके। बदतमीजी पे, एक्चुअली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, पर थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। ये ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कहते अच्छा दोनों में एक्टर कौन अच्छा है? दोनों की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट। सोच समझ के जवाब। रणबीर एंड दे बोथ आर टॉप क्लास मेरे हिसाब से। यस। वो थोड़ा गंभीर एक्टर है, ये थोड़े अलग, इनकी इनका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है, बट ही डजंट कॉपी हिम, ना वो किसी को कॉपी करता है, ना बड़ी बात है, ही डजंट कॉपी एनीबॉडी। सो दोनों का स्टाइल है, बट दे बोथ आर नेचुरल एक्चुअली। सर एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में, बॉबी फिल्म में, डिंपल जी को एक रिंग देते हैं और राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी और अब बाद में अपनी वाली पहनाई थी, वो क्या किस्सा क्या है सर, क्लियर मतलब? अब कहाँ पुराने मुर्दे गा, गा, सर मजा आएगा सर, आप अब मुर्दे गाड़ रहे हो तुम यार, उखाड़ रहे हो, सॉरी। वो लंबा सा किस्सा है, अभी क्या मालूम क्या हुआ, वो रिंग मेरे पास है बाद में। अच्छा? नहीं नहीं, वो रिंग अभी अरेबियन सी में है, बैंक में है। अरे वो अरेबियन सी में यार, वो अभी वहीं पड़ी हुई है, मतलब तुम्हारे पास वो होगी, पर वो चलो वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो। चलो और बात। कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई इच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था, मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था, तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके तो आपके पापा आपके दादाजी क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था, मुझे क्या इल्म क्या नॉलेज थी एक्टिंग वैक्टिंग की, वो राज साहब जो करके दिखाते थे मैं उसे कॉपी करता था और वो एक्टिंग हो गई, तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था, पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डाल, तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया, तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्हें देखा, माथे पे ऐसे लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो मैं घबरा गया कि मैंने कोई गलती हो गई कि दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। क्या बात है सर, आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 ईयर्स होंगे ना, 44 साल हो गए इंडस्ट्री में, इस बात के लिए जोरदार तालियां। विद्वान ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है कि वैसा नहीं, तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी? ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, You'll forget your steps, right? Rhythm भूल जाते थे song. But then you get used to it. तो अब आप जो ऋषि सर से नीतू मैम से बात करना चाहते हैं, जी जी मैम। हेलो नीतू मैम, हेलो सर, हेलो कपिल, हेलो जी, हेलो सिंधु सर, मैं कल्पना सिन्हा वासी से आई हूँ, मैं मेरी बेटी तान्या जब से रणवीर की मूवी देखी है, अब मैं उसने बोला मम्मी मैं आपका दामाद रणवीर ही होगा, है जी? तो मैंने बोला बेटा इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मना रखो
क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकती। लेकिन आज वो बड़ी हो गई है और मेरा सौभाग्य है कि आज हुई है बड़ी। नहीं नहीं आज कहाँ आप, आपकी बेटी साथ में आई है? नहीं नहीं आई है मेरी बेटी। पर हाउ ओल्ड शी इज, आई मीन आप तो इतनी यंग लग रही हैं, तो बहुत छोटी होंगी। नहीं 23 इयर्स की है वो। हाँ जी आप खुद 25-30 की लग रही हैं एक्चुअली। थैंक यू सर। आजकल के बच्चे खुद चुनते हैं अपने पार्टनर को और वही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन हो सके तो रणवीर को बताइएगा कि मेरी बेटी काफी खूबसूरत है। जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे मेहमान बात करना चाहते हैं ऋषि सर से, नीतू मैम से? जी भाई साहब, तू तो हमारी टीम का बंदा है। जी तो मैं ऋषि जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सो एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लव वॉचिंग योर फिल्म रफू चक्कर, और उसमें आपने एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, और यहाँ कपिल जी अपने सारे एक्टर्स को लड़कियाँ बनाते हैं। मैं नहीं बनाता हूँ भाई, किसी के घर चल रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है। तो ऋषि जी आपने तो ट्रेंड शुरू किया था, तो आप हमें बताइए कि आपको ऐसा लगा था जैसे वो लड़की का कैरेक्टर प्ले करते हुए? नहीं ट्रेंड तो मैंने नहीं शुरू किया था, हमसे पहले बहुत लोगों ने किया हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि पेंटर और मैंने वो लड़कियों का भूमिका हमने निभाई थी। एक अच्छा वो वाक्य है, पेंटर ने ही मुझे बताया था, मैं तो भूल गया था। तो हम शूटिंग कर रहे थे श्रीनगर में, और वहाँ ओबराय होटल होता था, अभी भी है पैलेस होटल। तो ऑब्वियसली जब नेचर कॉल आता था तो हमें जाना पड़ता था, तो उस वक्त तो पहले कन्फ्यूजन होती थी कि कहाँ जाए, लेडीज में या मेंस में। फिर हम जब मेंस में गए तो हमने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो स्कर्ट पहन के जो कुछ हो रहा था तो एक फॉरेनर था, वो देख के हमें ऐसा तो बताओ क्या कि ये क्या हो रहा है। जी जी मैम। हेलो सिद्धू सर, कपिल जी। हेलो मैम एंड ऋषि जी। ऋषि बड़ा आपने लुक दिया ऋषि जी ऐसे। प्रश्न पूछने से पहले आपने मुझे एक फैन की याद दिला दी, वो मुझे ऋषिक बलमा बुलाती थी। यस आई एम आल्सो योर ग्रेट फैन। थैंक यू। तो आई वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम नीतू मैम कि वो थोड़ा मुझे परमिशन दे, क्योंकि मैं बहुत दिलों से तमन्ना है कि परमिशन क्या कल को ये ना कि थोड़ी सी शादी कर ले हम। नो आई एम ऑलरेडी मैरिड। ओके चलिए। माय सन इज 23 इयर्स ओल्ड। अरे अच्छा या आज हो क्या रहा है? फिट ऑडियंस सब 23 साल वाले आ रहे हैं। ऑडियंस क्या बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है मैम से कि थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा परमिशन दे कि मैं ऋषि सर के साथ थोड़ा सा कुछ अपने प्लीज डांस थोड़ा सा डांस हो जाए। बहुत दिलों से तमन्ना है। अभी तो किया ना, और क्या किया था? नहीं सर, सर सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मैं आपके बगल में ही रहती हूँ। तो वहाँ आ जाइए ना, घर में फिर डांस करते रहेंगे। और क्या करना सर, शादी करके ये तमन्ना बगल में ही घर लिया। हाँ तो बगल में ही होगी, वो जो बाद में होनी वो बगल में ही होगी। तो सर मैम से परमिशन है कि थोड़ा मुझे इजाजत दे दे हम दोनों डांस कर सके। डांस मैं कह रहा हूँ ना, घर पे आओ ना, बगल में बिल्कुल साथ में नहीं, थोड़ा सा माहौल तो बनना ही चाहिए। हाँ भाई बनेगा, भाई बनेगा सर, थोड़ा सा मैम इजाजत है। मैं क्या क्या आपके फैन है हमें क्या पता। बैठ जाओ। मैं बैठी ससुर जी, बैठी बैठी सासू माँ। ये आपने रणबीर के लिए पसंद की, इससे अच्छा रणबीर को साइकिल ले देती हैं आप। नहीं बट हो चुके तो मैं क्या कर सकती हूँ, शादी हो गई, हनीमून हो गया। आंखें बंद रखते हैं ना ये, तो इनको तो पता नहीं चलता सासू माँ। कभी कंगन डालने थे डाल दिए, इनको तो हथकड़ी डलवानी चाहिए थी आपको। ये सब क्या है? ये तो अभी पानी पूछेगा नहीं ना आपको, तो मैं ही लेके आई। सासू जी पानी ले लीजिए, मेरे को ही चिंता रहेगी ना, मेरे को ही चिंता रहनी है। थैंक यू ससुर जी, बस ऐसी बहू चाहिए जो पानी पिलाए। पानी पिलाए, ये टाइम है पानी का। सच में क्या ये पानी का कलर कुछ और होता है इस वक्त। आप मुझे घर ले चलिए अपने साथ, रोज मैं आपको कंपनी दूंगी। आप तो आधे पौवे पौवे में आपका हो जाएगा, मैं आधी आप ही जाती हूँ। मैं बहुत अच्छी बहू हूँ आपको पता नहीं है, और मुझे पता है कपूर खानदान की बहू बनने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, बड़ी बड़ी चीजें मैंने सीख ली है। आप मुझसे पूछिए हाउ आर यू, हाउ आर यू।
मेरे में बहुत क्वालिटी है ससुर जी। मैं ना घर पे आधा ग्लास पानी का हो ना तो भी मैं नहा लेती हूँ। कैसे आधा? बाथरूम में जाके, वहां तो शावर लगा हुआ है ना, मैं ग्लास के पानी से क्यों नहाऊंगी? बेवकूफ। मैं ना बिना मटर के आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ। कैसे? उसमें पनीर डाल देती हूँ, फिर मटर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मैं इसलिए आई हूँ, मेरे को ना बड़ी जेलसी होगी। क्यों? वो लेडी वहां बैठी हुई है ग्रीन सूट पहन के, घर पे इनकी बहू है, आप कैसे रिश्ता लेके आ सकती हैं किसी के लिए? शर्मा नहीं चाहिए? थोड़ा टीवी देखा करो, पता चले कि इनकी बहू कौन है। मैं हूँ मिसेस रणबीर कपूर। ओके ससुर जी, जी मुझे आपसे एक शिकायत है। मेरे से क्यों? इतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिख ली आपने जी, उसे मेरा जिक्र ही नहीं है कहीं। यहाँ पे ये पब्लिशर बैठे हुए हैं, साइन करो, मेरा सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये ऐड करो पेपर वहाँ पे जाके, है ना, यहाँ पे ये ऐड करो सारा इसके अंदर प्रीफेस में। उनकी बहू है और पेपर में कहीं जिक्र ही नहीं है। सासू माँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज सास बहू भी इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग चन्ना मेरा करें। हाँ, आपकी चन्ना यहाँ पे है, मेरे चन्ना घर पे है। भाभी जी, हाँ? आपको जल्दी जाओ, मूछें लगा के डॉक्टर भी बनना है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।